यूट्यूब से मुझे इतनी पहचान मिले, अब यहाँ भी जाता हूँ, ये अपना हरियाणा पंजाब हो गया, सभी जगह मुझे लोग मिलते हैं, पहचानते हैं। किसान मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको अपनी धान के, जैसा सीजन चल रहा है तो इसमें हम हमारी सरसों की खली है, और आज की वीडियो हमारी अंगूर के ऊपर ही, आप आज की वीडियो में पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि मच्छर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारे पशुपालन। मेरा जो मेन काम हो चुका है वो व्लॉगिंग हो चुका है, यूट्यूबिंग हो चुका है, तो मैंने पूरा फोकस इसी चीज़ पे रखा था कि ऐसी ऐसी चीज़ें ढूंढ के लाई कि लेके आई जाएं जो कि अब तक फार्मर्स को नहीं मिली है उनकी इन्फॉर्मेशन। हाँ, ये बेटर है, ये बेटर है, ऐसे ऐसे ही रखना, ठीक है ना। ये जो ये मॉडल है, ये नया मॉडल है इनका, इसमें क्या क्या नया है, क्या क्या पुराना है? शुरुआत में तो हमें कोई भी कंपनी वाले या कोई भी हमें मतलब कि इतना भाव नहीं देता था। जैसे जैसे हमारे व्यूज़ लाखों में आने लगे, 50-50 लोग, लाख लोग व्यूज़ आने लगे वीडियोस पे, तो कंपनियां भी हमसे अप्रोच करने लगी। दर्शन सिंह के यूट्यूब चैनल पे देखने को मिला है, कम खर्चे में बढ़िया बैलेंस्ड फीड तैयार करके अच्छा दूध उत्पादन करती है, अच्छी इनकी सेहत रहती है। धान में जो हरा पन आया तो बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरे से, क्या आपके पास वीडियो बनाने का प्रेशर रहता है, ज़्यादा व्यूज़ लेने की चिंता रहती है? तो उसकी चिंता नहीं है नंबर्स की, वो अपने आप एक, वो तो एक बायो प्रोडक्ट है, वो तो आप मिलेगा अगर आप अच्छा काम करेंगे।